अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोग सब अच्छे होंगे। आज बनाने वाले हैं मम्मी मज़ेदार सा फिश का सालन। कौन सी फिश है मम्मी? है ये कड़कड़ा मच्छी है, कड़कड़ा फिश का सालन। तो चलिए इसकी इंग्रेडिएंट देखते हैं और रेसिपी देखते हैं कैसे बनाएं और क्या क्या लगेगा इसमें। चलिए चलो इसमें सालन में बनाने के लिए जरूरी सामान लगेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये फिश है, उसके लिए मैरिनेशन करने के लिए नींबू और क्या नमक ली हूँ मैंने, और तेल है, इमली है, और दो मीडियम साइज़ के टमाटर है, और ये आधा खोपरा ली हूँ मैंने, एक छोटी सी प्याज ली हूँ, थोड़ी सी मिर्ची, कोतमीर और लहसुन। और सालन में डालने के लिए मिर्ची मच्छी का मसाला है जो गाँव का है, और हल्दी है कड़ी पत्ता बघार करने के लिए, और मेथी कड़ी पत्ते का बघार होएगा, और ज़ीरा मसाला पीसने में डालेंगे हम। तो मम्मी को शॉप पे क्या बोलने का, ये मसाले को जाके मच्छी का मसाला तो बोलने का, फिश मसाला बोलेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसा बनाते हैं। पहले सबसे पहले फिश के अंदर हम लोग नींबू और नमक डाल के रखेंगे, मैरिनेट करेंगे। कितने देर तक? फौरन बनाने का तो बना सकते हैं, नहीं तो आधा घंटा 10 मिनट रखेंगे भी तो चलेगा। अच्छा, अभी हम 10 मिनट ही रखेंगे। पूरा एक अखा नींबू डाल देंगे, नमक डाल देंगे, मसाला हम अपना पीस लेंगे, उसके बाद में बघाते हैं। सालन बनाएंगे हम, सबसे पहले तेल डालते हैं, फिर हम मेथी डालेंगे, तेल जब गर्म हो जाएगा तो मेथी का बघार करेंगे, कड़कड़ाने लगेगी, कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर ये पीसा हुआ मसाला डालेंगे हम, मसाले को धोई करके भून लेंगे, पानी डाले थोड़ा मम्मी। हाँ डालती ना बेटा, बिना पानी के कैसा होएगा, जल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सी पानी डालेंगे। क्या हुआ मेरी गुड़िया को, भूख लगी? मेरे को भी बहुत भूख लग रही थी, लेकिन मैंने नाश्ता कर ली। मसाला इतने से खटक रहा है, तो इधर भूनेंगे, उसके बाद में ये लाल मसाला हल्दी डालेंगे, और जिसका लाल मसाला नहीं मिला उनमें क्या करेगा? नॉर्मल लाल मिर्च की बुक्की, हल्दी, धनिया तो नहीं डालते ये मसाले में रहता है ना, और नहीं है किसी के पास तो थोड़ा सा धनिया डालो, मैंने तो कभी डाली नहीं। हाँ अखा वाला पीसते ना हम दूसरे तरीके से जो बनाते हैं, उसमें अखी लाल मिर्च, अखा धनिया, जीरा, लहसुन सब डाल के पीसते, तो अखा धनिया सब पीस के डालते हैं हम। अच्छा, ये जरा पीसा हुआ है ना, इसलिए अलग है, ये बम्बैया स्टाइल का, और जो यूपी स्टाइल का है उसमें नहीं रेड का आएगा, सालन पकने के बाद आएगा, हमारे मसाले अलग बाद में आता है, एकदम रेडिश नहीं आएगा, ये सही है। फिर भी इसको मसाले को हम थोड़ी देर तक के भून लेंगे, चलिए अभी इसको 10 से 15 मिनट तक हम लोग अच्छे से मसाला भून लेंगे, और एक तरफ मैं फिश फ्राई करने के लिए रखती हूँ, हम लोग फिश फ्राई करके डालते हैं सालन में।
बिस्मिल्लाह। हम फिश फ्राई करके डालते हैं आटे के अंदर, तो ये फिश अच्छी लगती है, नहीं तो नरम नरम हो जाती ना, वो नरम नरम अच्छी नहीं लगती हम लोगों को। फिश फ्राई करके डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है सालन। गेहूं के आटे में लगा के हम तलते हैं। ये सालन एक तरफ बन रहा है और सालन एक तरफ हो रहा है और एक तरफ फिश फ्राई हो रही है। फिश फ्राई होगी वही सालन में हम डालेंगे। एकदम लाल नहीं करनी चाहिए, बस हल्की हल्की पिंक जैसी करनी है। तरीके से हमारी सारी जितनी फेशियल को कर देंगे, फ्राई का प्रोसीजर बताते हैं। फ्राई कर देंगे बेटा। हाँ मतलब वही हुआ ना, मतलब वो नहीं होता बेटा। देखिए हमारा दूसरा राउंड भी अच्छे से हो गया है फिश का, अभी हम भी अच्छा हो चुका है। अब इसमें सालन में हम शिरवा डालेंगे, जितना हमको चाहिए गाढ़ा जितना पतला, जो हिसाब से हमको चाहिए उतना ही पानी डालेंगे। हमको इतना बस हो गया। अब ये एक बार जोश आएगा इसमें फिर हम मच्छी इतनी छोड़ देंगे। अभी देखो सालन अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है, इसमें हम अपना नींबू इमली का पानी डालेंगे। जितनी खटास चाहिए उतनी नींबू डालो या ये डालो इमली। उसके बाद में हम अपने फिश डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए फिश को अच्छे से फ्राई कर ली थी मैंने, अब ये पूरी तरीके से एक तरीके से तो पक चुकी है, बस खाली एक जोश आएगा वैसे उतार लेंगे हम। देखिए हमारा सालन कितना अच्छा है, दिखने में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है, खाने में भी बहुत लजीज बनता है। आप लोग ज़रूर बनाना और ट्राई करना, इस तरीके का सालन बनाते हैं। अब इसको जोश आने के बाद सर्व करते हैं। देखिए हमारा सालन अच्छे से बॉईल हो गया है, एकदम अच्छे से पक गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा फिश का सालन तैयार है। उसके साथ मम्मी ने स्टीम राइस रखे और चटनी और लेमन। तो चले इसकी टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं कैसा बना है। हम लोग फिश के सालन के साथ में खोपड़े की चटनी बनाते हैं और नींबू डाल के खाते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। आप लोग भी ट्राई करना। तो आज मैं उसी तरीके से एकदम डाल के टेस्ट करूँगी। एकदम बर्फी जैसा लग रहा है मम्मी। ऐसी रहती है ये मच्छी, गोश्त के टुकड़े की तरह रहती है और माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, मीठी है खाने में। तो जाओ चटनी भी तो ले। फिश ले, बहुत अच्छी लग रही है मम्मी। अरे बहुत अच्छी लग रही है तो फिश भी तो खा के दिखा। अरे फिश खाती पर सालन अच्छा लग रहा है ना, बहुत टेस्टी है। आप लोग जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रा हमें हौसला दीजिए, हम लोग आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। आप लोग अच्छे से रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।